कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। तो ये बताइए क्या क्लास थी आज हमारी? किसकी क्लास थी? सबेरे का ही क्लास थी हमारी। कौन सा सीपीयू? कौन सी स्टेंसिल से? यूनिवर्सल से। तो कोई सा भी सीपीयू अपन यूनिवर्सल से कर सकते कि नहीं कर सकते? जो जो यूनिवर्सल से हो सकता है हम सब कर सकते हैं, है ना? तो तरीका फॉर्मेट है हमारे पास। चलिए ठीक है, फिर दोपहर में किसके साथ क्लास थी आपकी? 11:30 से देव सर के साथ। आपका कल का कंपोनेंट जो था, कंपोनेंट 2 की क्लास, कल कंपोनेंट 1 की क्लास थी, आज कंपोनेंट 2 की क्लास थी। तो ये बताइए मुझे किस किसका क्लियर है? हेलो, किस किसका क्लियर है? सबका क्लियर है? ऐसा कोई बच्चा इस क्लास में बैठा है जिसको कंपोनेंट का नॉलेज नहीं हो? नहीं सर। किसी को टेस्टिंग का आइडिया नहीं हो? नहीं सर। कंपोनेंट की आइडेंटिटी नहीं हो? नहीं सर। पहचान नहीं हो? नहीं सर। सबने किया? यस सर। तो सर के साथ, देव सर के साथ क्लास कैसी लगी आपको? क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट आपके बीच में है कि जिसने पूरे कंपोनेंट ट्रेस नहीं करे? यहाँ पर सबने करे ट्रेस? यस सर। एक-एक स्टूडेंट ने करा? यस सर। जितने हो आप सभी ने करा? यस सर। कंपोनेंट में मिसिंग तो नहीं होगी? नहीं सर। चलिए ठीक है, और उसके बाद नाइट में अभी चलते चलते क्या करा आपने? लाइव 4G हैंडसेट आईसी निकाली और आईसी निकाल के लगाई। और इसकी क्लास कब है आपके निकाल के लगाने की? कौन कौन लगाएगा फोन? वेलकम मोबाइल, चालू मोबाइल से आईसी निकाल के लगाने की क्लास कौन कौन लगाएगा? और कौन कौन लगा सकता है? सब लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगा भाई के आपके हाथ में। तो थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भुवनेश्वर कुमार है, मैं झारखंड से हूँ जी। बताइए आज क्या क्लास था हमारा? आज हमारा कंपोनेंट क्लास थी, सेकंड। हाँ, कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 2। हाँ, किनके साथ थी? हमारे देव सर के साथ। अच्छा, उसके बाद बताइए मेरे को कि कैसी रही क्लास आपकी? कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों क्लियर है आपका? क्लियर है सर। अच्छा, और उसके बाद क्या किया आपने प्रैक्टिकल क्लास में आके? प्रैक्टिकल में चेक किया कंपोनेंट सब, सारे चेक किए आपने? सारे चेक किए। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या किया आपने? पावर आईसी रिवॉल्विंग की। कौन से मोबाइल से? लाइव 4G। 4G से। 4G सेट से पावर आईसी उठा के ऑफिस लगाया जी सर। तो आपका काम डन हुआ? डन हुआ सर। क्लियर हुआ आपका? क्लियर हुआ सर। चलिए ठीक है सर, सेकंड आई। मेरा नाम कुणाल कुमार, झारखंड से है। हाजी कुमार सर, आज कंपोनेंट 2 की क्लास थी और डुअल डेकर आईसी रिवॉल्विंग थी। और रिवॉल्विंग करी आपने? यस सर। बनी आपसे? यस सर। कौन सी स्टेंसिल से करी आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल। यूनिवर्सल स्टेंसिल से। अच्छा, फिर दोपहर में किसके साथ क्लास थी आपकी? सर के साथ, कंपोनेंट की क्लास थी सेकंड। अच्छा, फिर? फिर सर कंपोनेंट कितने घंटे चली क्लास आपकी? 12 घंटे से। 14 घंटे सर। नहीं, एक्चुअल देव सर के साथ क्लास कितने घंटे चली? 5 घंटे चली आपकी सतत क्लास? 5 घंटे। तो फिर जितना सर पढ़ाते उतना प्रैक्टिकल होता है? यस सर, पूरा प्रैक्टिकल होता है। पूरा प्रैक्टिकल, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल होता है सर। पूरा प्रैक्टिकल होता है सर। पहले सर थ्योरी पढ़ा के जाते हैं, उसके बाद में पूरा प्रैक्टिकल? पूरा प्रैक्टिकल होता है। तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों की बात करूँ तो आपका क्लियर? क्लियर है सर। अच्छा, और उसके बाद आपने क्या किया? पावर आईसी रिवॉल्विंग की 4G से रिवॉल्विंग करी कि निकाल के लगाई? निकाल के लगाई। सक्सेस हुआ आपका? यस सर। सर मेरा नाम इमरान खान है, मैं आंध्रा से हूँ सर। जी बताइए इमरान। सर आज सवेरे 8 बजे आए थे हम, 8 बजे डबल डेकर सीपीयू सब रिपल किया सर। ठीक है, यूनिवर्सल स्टेंसिल से। फिर 11 बजे सर की क्लास थी, देव सर की, 5 घंटे तक थी सर। ठीक है, बाद थीरी पढ़े, थीरी का पूरा क्या बोलते हैं पूरी क्लास ली, पूरी क्लास ली थी और उसका टेस्टिंग भी किया सर अब बैठ के। ठीक है, अब आखिरी वक्त में पावर आईसी रिवॉल्व की सर। अच्छा, वर्किंग सेट से। अच्छा, कल लाइव करेंगे सर। लाइव 4G आईसी निकाल के, चालू मोबाइल से 4G आईसी निकाल के लगा लगाएंगे सर। लगा सकते हैं? लगा सकते हैं सर। कॉन्फिडेंस है? यस सर। कॉन्फिडेंस है? 100% है सर। 100% है? 100% यूनिवर्सल डिस्टेंस लगाएंगे सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम अनिल ठाकरे सर। हाँ जी, महाराष्ट्र से हूँ सर।
सुबह 8 बजे हमारी क्लास डबल ट्रैकर रिबॉन करने की थी सर, वो कर लिया सर हमने। अच्छा दोपहर में 11 बजे देव सर के साथ में क्या क्लास हुई सर? हाँ जी सर, डी टू के कंपोनेंट क्या क्या ना क्या तरीका है सर का पढ़ाने का? सुपर है सर, तो पढ़ाते हैं तो कैसे लगते हैं सर? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा, हर चीज़ समझ में आती है। यस सर, क्रिस्टल क्लियर होती है हर क्लास? यस सर होती है सर। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्लास में आके क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में आके लाइव 4G हैंडसेट का पावर आईसी निकाल के फिर से लगाया सर। अच्छा, सक्सेस हुआ आपका? यस सर सक्सेस हुआ सर। सर मैं गणेश कांड के मुंबई से। सर आज हम लोग की 4G CPU की रिवॉल्व क्लास थी, उस पर आज हम लोग का कंपोनेंट के ऊपर सेकेंड डे था। 4 घंटे तक हम लोग का, 5 घंटे तक देव सर का आज हम लोग का काउंसलिंग था। उनके बाद हमारे MD सर इनके साथ में हम कंटिन्यू आज प्रैक्टिकल नॉलेज लिए, लाइव पावर ऐसे उठा के लाइव पावर ऐसे हमने भेजा है। और ये बताइए मेरे को कि अगर कंपोनेंट की बात करें, कल कंपोनेंट की 1 की क्लास थी देव सर के साथ और आज थी कंपोनेंट 2 की क्लास थी आपकी, सुपर थी सर, कोई डाउट नहीं सर। कोई चीज ऐसी हाइड करी हो? कोई डाउट नहीं सर। यूट्यूब पर नॉलेज मिल रहा हो या? नहीं सर, नहीं सर, यूट्यूब वाला नॉलेज नहीं सर, बिल्कुल जो चौथे पांचवे का नॉलेज है वाला नॉलेज मिल रहा है? नहीं सर, नहीं सर, हर एक चीज प्रैक्टिकली सिखाई जाती है, उसका थ्योरी एकदम एक्यूरेट थ्योरी दी जाती है सर, इसलिए नो डाउट सर, एशिया फिल्म इज द बेस्ट मोबाइल फिल्म। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम राकेश है। जी राकेश, नागपुर से हूँ जी, बताइए। जी सर, आज सुबह 8 बजे आए हम लोग, 8 बजे आते बराबर डबल डेकर CPU जी, डबल डेकर CPU रिवॉल्व किए। ठीक है, रिवॉल्व हुआ आपसे? जी सर। कौन से स्टेशन से करा? यूनिवर्सल स्टेशन से। अच्छा, उसके बाद फिर देव सर के साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ 11 बजे की क्लास थी। अच्छा, 5 बजे खत्म हो गई जी, फिर वापस प्रैक्टिकल लैब में आ गए। अच्छा, तो प्रैक्टिकल के सर ने कॉम्पोनेंट को पढ़ाने में इतनी देर क्यों लगाई? सर पूरा डिटेल में पढ़ाया उन्होंने, एक एक चीज बताइए, एक चीज बताएं और उस चीज का भी प्रैक्टिकल करके बताएं, प्रैक्टिकल करके बताएं, चीज को हटा के लगा के क्या होता है, क्या नहीं होता है, है ना, सारी डिटेल में यहाँ लाइव में नहीं बोलना चाहता आपको कि क्या लेवल से आपकी पढ़ाई हुई यहाँ पर, है ना, पर बाकी इतना पूछना चाहूंगा आपसे कि आपको जिनको वीडियो में देख के आप यहाँ पर आए थे एशिया टेलीकॉम में, जी सर, तो वो टीचर के साथ पढ़ने में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। और फिर आपने प्रैक्टिकल क्लास में आपके चारों काम जो 1 और 2 कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की क्लास थी पूरी कंप्लीट हुई है आपकी? पूरा टेस्टिंग कर लिया। और अभी आपको कोई को प्रॉब्लम कुछ ट्रेस करने में रीडिंग लेने में या उसका काम क्या है ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत भी आई तो हमारे MD सर बैठे हैं। सर मेरा नाम नितिन कुमार, मैं UP से हूँ। हाँ जी, आज सुबह सर 8 बजे सर आया था यहाँ तो CPU रिवॉल्व किया। ठीक है, कौन सा CPU रिवॉल्व करा? डबल डेकर। और साथ में कौन सी एक्सटेंशन थी आपकी? यूनिवर्सल जैसी थी। तो उससे हो जाता है डबल डेकर? यस सर, हो जाता है आराम से। अगर 4 डबल डेकर दूँ आपको रिवॉल्व करने को, कर दोगे आप? यस सर, कर देंगे। कर दोगे? 100% कर देंगे सर। 100% कर दोगे? यस सर। अच्छा, उसके बाद 11 बजे से लेकर 5 बजे तक देव सर के साथ क्लास हुई कंपोनेंट सेकंड की। अच्छा, और उसके बाद प्रैक्टिकल किया सर जी, फिर जाने के टाइम में 4G हैंडसेट से पावर IC निकाल के लगाई दोबारा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। 2 दिन में क्या क्या सीख लिया आपने? बहुत कुछ सीख लिया सर, आता नहीं था इतना पहले। यहाँ 2-4-5 घंटे की क्लास तो नहीं होती? नहीं सर, 14 घंटे हो गए। कितने? 14 घंटे। 14 घंटे? यस सर। मेरा नाम मोहम्मद इसरार है, मैं सुल्तानपुर UP का हूँ। तो इसरार, ये बताओ मेरे को कि कैसी लग रही है क्लासेस आपको? सवेरे से रात तक की क्लास कैसी लग रही है? सुबह से 8 बजे से मैं क्लास पे आया सर। हाँ, डबल डेकर क्लास चला मेरा। हाँ, उसको मैंने रिवॉल्व करके लगाया। हाँ, उसके बाद देव सर के साथ मेरी क्लास थी। हाँ, 11 बजे से 4 बजे तक। हाँ, उसके बाद मेरी क्लास MD सर के साथ थी जो प्रैक्टिकल भी थी। ठीक है, और अभी हमने पावर IC रिवॉल्व करके कंपोनेंट की बात करो, कंपोनेंट के चारों कंपोनेंट जो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 कंपोनेंट चारों क्लियर, मतलब पूरे कंपोनेंट क्लियर हुए आपके? जी पूरे क्लियर हुए, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हासिल हुई। अच्छा, प्रैक्टिकल का पूरा टाइम मिलता है? प्रैक्टिकल का पूरा टाइम मिलता है, सुबह 8 बजे से लेकर के रात 10:30 बजे रहे हैं 20 वक्त। अच्छा,
तो कोई टीचर को जाने की जल्दी है क्या? किसी को जल्दी नहीं है सर, हम लोगों को जल्दी नहीं है, टीचरों की जल्दी नहीं है कि जाने के लिए। ऐसा लग रहा है तुमको कि टीचर भगाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। मैडम हयात है। हाँ जी हयात, तमिलनाडु से। हाँ जी तमिलनाडु से हयात, बोलिए। तो कैसा लग रहा है यार जबलपुर आके तुमको, और एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करा, देव सर के साथ आपकी क्लास है, कैसा क्या एक्साइटमेंट है? नॉलेज तो फुल मिला सर। फुल मिला? फुल मिला। तो जो सोच के आए थे वो मिला? वो मिला सर। कि उससे ऊपर मिला? उससे ऊपर मिल जाएगा सर, ये दो दिन हो जाया, उससे ऊपर मिल जाएगा। तो कब से काम कर रहे थे? मैं कम से कम 7-8 साल से। 8 साल से काम कर रहे हैं आप, तो 8 साल का नॉलेज और 2 दिन का नॉलेज, कौन भारी है? 2 दिन का नॉलेज तो बहुत बड़ा भारी है। भारी है? 8 साल में भारी है 2 दिन? चलिए, अगर 2 साल पहले आए थे तो? थैंक यू। ठीक है, तो फिर आज आपके साथ कंपोनेंट की क्लास, तो कंपोनेंट 2 की भी क्लास थी आपकी देव सर के साथ? दो फर्स्ट आज सेकंड भी हो गया। सेकंड तो सारी चीज क्लियर है आपकी? क्लियर। क्या लेवल से पढ़ाया सर ने आपको? सर ने तो इतना क्लियर से पढ़ा रहे जो स्टूडेंट्स को जो समझ में नहीं आ रहा तो फिरा कर रहना बताते हैं, फिरा के बताते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट भी क्या समझ सके, इसलिए ऐसा पढ़ा देंगे। बराबर, पूरा टाइम देते, पूरा टाइम देते। प्रैक्टिकल भी पूरा टाइम होता है? प्रैक्टिकल भी पूरा होता है। अच्छा, सुबह हमें 8 आए थे तो अब 10:30 हो गए थे। अच्छा, कम से कम 15-14 घंटे लग गए सर। 14 घंटे तो ऐसे डेली काम 12 घंटे बोलता तो पढ़ाता है ईमानदारी से? 12 घंटे बोलता तो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? 12 घंटे की क्लास पढ़ाता है। कितनी? 12 घंटे 14 घंटे? ये 14 घंटे पढ़ाएगी, 12 घंटे पढ़ाएगी। अच्छा चलिए चलिए। झारखंड से तैयब सर। हाँ जी जी सर, आज सुबह से 8 बजे आया क्लास में, तो सबसे पहले नंबर में पावर और डबल टेकर सीपीयू रिपोर्ट किया सर। ठीक है, उसके बाद फिर देव सर के सर साथ क्लास हुई, क्लास 2 था सर कॉम्पिटेंट्स का। हाँ। तो उसमें सर बार बार वीडियो में पहले बोला जाता है सर कि बोर्ड देखने का नज़रिया बदल दूंगा, तो सर हकीकत में अब धीरे धीरे लगने लगा है सर कि बोर्ड देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो रहा है सर। कल रात को अपन इसी टाइम मिलेंगे। यस सर। है ना? यस सर, इसी टाइम मिलेंगे, फिर तुमसे पूछूंगा। तो फिर तुमने बोलना कि बोर्ड देखने का नजरिया बदला। यस सर। चैलेंज फॉर यू ऑल स्टूडेंट, चैलेंज। यस सर। ऑल स्टूडेंट चैलेंज कर रहा हूँ आपको मैं। यस सर। आप कल ये बोलेंगे सर बोर्ड देखने का नजरिया बदल गया हमारा। यस सर। गारंटी? गारंटी सर। शर्त इलाज होगा कल तुम्हारा? यस सर। चलिए, मेरा नाम कैश रजा है, मैं बिहार से हूँ। आज सुबह हम 8 बजे आए, इसमें सबसे पहले डबल डेकर रिवोल्व किया, 11 बजे से देव सर के साथ क्लास था सर कंपोनेंट 2 का, जिसमें हमको पीसीबी में उपलब्ध मतलब सभी कंपोनेंट के बारे में इतना जानकारी मिल गया सर, जिसको हम भूल नहीं सकते। और उसके बाद सर प्रैक्टिकल भी हुआ सर, अभी 10 बजने आ रहे हैं, 10 बजे तक प्रैक्टिकल हुआ सर, जिसमें हमको लाइव 4G मतलब IC उठा करके बैठाया और चालू हुआ सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पापा वगैरह आए थे यहाँ पे छोड़ने आए थे, तो आप क्या बोलेंगे पापा को? कोई फिक्र करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा, यहाँ कोई रहने खाने में कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। हॉस्टल का मैनेजमेंट कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, आज कंप्यूटर फटाफट आते जाइए। कंप्यूटर 2 का क्लास था सर आज। हाँ। आज मैंने सीपीयू पावर आईसी रिवॉल्विंग किया। हाँ जी। आज देव सर ने 5 घंटे क्लास लिया, एकदम बढ़िया पढ़ाया सर। और आज MD सर ने मुझे पावर आईसी निकालना कैसे और लगाना कैसे, पहले उन्होंने मुझे लगा के बताया, उसके बाद डायरेक्ट मैंने दूसरे टाइम में ही सक्सेस कर दिया। कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा सर। कल आपको डायरेक्ट और कौन से निकाल के? सर एकदम कॉन्फिडेंट है, अभी तो निकाल के दूंगा। इसके पहले कभी काम करा था? नहीं किया था सर। इसके पहले किया था काम? कभी नहीं किया सर। कभी नहीं किया, सिर्फ देखता था, लेकिन करते नहीं। तो तुम तो उधर पास में भी हैदराबाद भी जा सकते थे या जबलपुर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो उधर भी नहीं, महाराष्ट्र से मैं आया हूँ सर, पर मेरे को यही आना था सर। यही आना? मैं 2 साल से वीडियो देख रहा था एशिया टेलीकॉम की, लेकिन आना नहीं, कुछ वजह से नहीं जम रहा था, इसके लिए सर अभी आए, लेकिन आना था ही। जी सर। तो आने में जो पर्पज से आए आप? जी
तो पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके लिए तो 100% है सर, एकदम कॉन्फिडेंट है, जैसा बताया था उससे अच्छा लगा, उससे अच्छा लगा। चलिए जी, मैं सर कुमार बिहार से हूँ। हाँ जी, मैंने सुबह 8 बजे आया सर। हाँ जी, उसके बाद डबल डेकर रिवॉल्व किए सर जी, उसके बाद 11 बजे से सर सबके साथ क्लास थी 5 बजे तक, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल में आए, जो सब देव सर पढ़ाए आज उसका प्रैक्टिकल हुआ पहले, और उसके बाद सर चालू बोर्ड का ऐसे उतार कर उसको रिवॉल्व करके फिर से बैठाए फर्स्ट बार में सर। अच्छा ये बताइए मेरे को कि कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? है अभी बोर्ड में से कोई रीडिंग लेने में, थर्मिस्टर को ढूंढने में, कॉइल की रीडिंग क्या होती है, सीरीज में क्या काम होता है, पैरेलल में क्या काम होता है, एक एक चीज क्लियर है आपके? डायोड कितने प्रकार के होते हैं सारी जानकारी, सारी जानकारी बोर्ड में भी बोर्ड के बाहर भी, पीसीबी के अंदर क्या रीडिंग, पीसीबी के बाहर क्या रीडिंग, सब सब सर सब पता है। चलिए ठीक है, मैं सुजीत गुप्ता। हाँ जी सुजीत। हाँ सुजीत, मैं आज के रूटीन के बारे में सब लोग बता चुके हैं कि आज क्या हुआ और क्या चेंजिंग हुई लोगों के अंदर, लेकिन मैं खासकर अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे अंदर क्या चेंजिंग हुई। जी बताइए। मैं लगभग 8 साल से जो है इस फील्ड से जुड़ा हुआ था, और लगभग 2 साल से मैं माइक्रोस्कोप का काम कर रहा था, लेकिन कभी कभी EMC बनाता था तो बन भी जाता था, लेकिन CPU कभी मेरे से डन नहीं हुआ, 2 साल तक मैंने प्रैक्टिस की। लेकिन आज के डेट में मुझे ये लगा, कल तो EMMC थी, EMMC मुझसे बन भी गई, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे प्रैक्टिस से ये MMC बन गई हो, लेकिन CPU मुझसे कभी डन नहीं हुआ। आज CPU कम से कम 3 से 4 बार मुझसे रिकॉर्डिंग हुई और परफेक्ट तरीके से रिकॉर्डिंग हुई, तो मुझको पता चला कि वास्तव में ऐसे टेलीकॉम का ट्रिक ही कुछ सबसे अलग हटके है। ये तो मेरे चेंजिंग की बात थी, मेरे अंदर क्या चेंजिंग हुई, और बोर्ड का देखने का नजरिया तो सबके अंदर चेंज हुआ, मेरे अंदर भी चेंज हुआ है। और दूसरा चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ के स्टाफ के बारे में कि मेरे ख्याल से 10 घंटा पढ़ाते पढ़ाते लोग थक भी जाते होंगे, लेकिन यहाँ के जी यहाँ का जो स्टाफ है वो देखता हूँ कभी थकता नहीं, सब जुटे रहते हैं। और आज अभी 8 बजे आए थे और 10 बजे तक MD सर मेरे साथ में थे, देखता हूँ कि कभी थकने वाले इंसानों में से ये ऐसे स्टाफ, ये चीज़ काफ़ी डिफरेंस है अदर इंस्टीट्यूट से। और लगभग सभी एक बंदा जो नहीं डन कर पाता है, जब तक नहीं डन कर पाता है, चाहे वो 10 बार हो, चाहे 15 बार हो, चाहे 20 बार, उसके पीछे जुटे रहते हैं। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि लगभग सभी का क्लियर होता है, और सभी जो है रिबॉलिंग करते हैं अपने हिसाब से, ये नहीं है कि लाइफ दिखाते कुछ और होता कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए तो फिर कंपोनेंट आपका पूरा डन हुआ। यस सर। तो क्या चीज़, आप बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ आपको कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू देव सर की क्लास में आपको मिली है, क्या क्या नई नई चीज़ें मिली है आपको? पहले तो क्या था, पहले तो बस देखता था और तुक्के पे काम होता था, आज तो हर एक कंपोनेंट जो भी देखता हूँ, हर एक कंपोनेंट के बारे में पूरा एकदम देखते हुए ही नॉलेज चल जाता है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। और अभी तो कंपोनेंट की क्लास चल रही है तो कंपोनेंट का नॉलेज चल रहा है, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे जो वोल्टेज करंट होता है देखने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंजक्शन होगा, यहाँ पे जो है ये पावर जो है जो भी पावर जा रही है इसका जो है प्योरीफायर होगा, ये सब देखने से ही पता चल जाएगा। अभी तो कंपोनेंट के बारे में ही नॉलेज चल रहा है, तो ये अब तो पहले तो नहीं देख पा, मतलब समझ ही नहीं पाता था कि कौन सी चीज़ें क्या है, लेकिन अब तो 2 दिन में तो इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि इतना मैं सोचा नहीं था। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम शेख वली है। शेख वली, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से वली, हैदराबाद में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है भाई, जबलपुर आने की क्या जरूरत पड़ी? जी सर, ट्राई किया था एक बार जाके। जी सर, जैसा तुम बोले हैदराबाद में कई इंस्टीट्यूट है, जैसा नाम नहीं लूंगा, फिर भी सही इंस्टीट्यूट तो नहीं है। जैसा मुझे लगा कि वहाँ के क्लासेस मैंने यूट्यूब पे सुना था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे यहाँ लगा था। और यहाँ तक आने का मेरा मेन रीज़न ये था कि देव सर की क्लासेस मैंने सुनता था यूट्यूब पे और मुझे अच्छा लगता था, और यहाँ मैंने आया उससे ज़्यादा मुझे लगा जो देव सर की क्लास। अच्छा, तो सर मैं वाकई में जो यूट्यूब पे नॉलेज देते, यूट्यूब वाला नॉलेज मिल रहा है आपको कि सर का रियल नॉलेज मिल रहा है? सर का रियल नॉलेज मिल रहा है, रियल नॉलेज मिल रहा है। हम 10% भी सर यूट्यूब पे डालते नहीं नॉलेज,
जी सर, है ना, और नॉलेज वो डालते हैं कि वो अब जो अभी लेटेस्ट वीडियो देखोगे तो वो केवल तुम ही समझ पाओगे। यस सर, बाहर वाला स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा सर, समझ ही नहीं पाएगा वीडियो देख के, पूरा देख जितने भी वीडियो सब देख लेगा, बाकी उसको समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ में नहीं आता था तो थोड़ा वीडियो देख लेता था, बाद में वीडियो स्किप कर देता था, लेकिन उतना नॉलेज नहीं होता था जितना हम समझ पाते थे। बराबर है, उनके लिए 10% काफी है, काफी है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट वन, थोड़ा भाई जो नहीं बच्चे में कराते जाओ। मेरा नाम दिलीप लखराम है जी, झारखंड से हूँ। हाँ जी दिलीप, तो आज तो बहुत ही अच्छी क्लास हुई जी। पहले डबल डेकर सीपीयू रिबॉलिंग की जी, फिर कंपोनेंट्स की क्लास हुई। कंपोनेंट्स बोले तो आज कल और आज में मिलाकर अब तक जो मैं समझता था, मेरे लोकल भाषा में बोलूँ तो कंपोनेंट्स में मेरे को मच्छर होता था, आज मुझे समझ में आया ये मच्छर नहीं है, ये मॉस्फेट हैं, ये कैपेसिटर हैं, ये रजिस्टर हैं, ये आज मुझे पता चला कि इतने सब भी होते हैं मोबाइल में। बराबर, इससे पहले मुझे पता नहीं था, तो इतनी जानकारी तो आज मुझे हो गई है दो ही दिन में। तो बताइए मेरे को कि आपको दो दिन के कॉन्सेप्ट की, दो दिन की क्लास पूरी क्लियर है कि नहीं? एकदम पूरी क्लियर है सर। सर आप खाली आपकी बात कर रहे हो कि पूरे बच्चों की बात? पूरे बच्चों की बात कर रहा हूं, पूरे बच्चों की, पूरे बच्चे की बात कर रहा हूं, है ना। यहाँ कोई ऐसा एक बंदा बैठा है जिसको कंपोनेंट का नॉलेज नहीं? मेरे को तो नहीं लगता है, यहाँ सबको नॉलेज है, सबको नॉलेज है, सबको नॉलेज। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मेरा नाम हनी अग्रवाल है, मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ जी हनी, हनी उड़ीसा से जबलपुर सर, बहुत दूर है बट आना था ही। आना था ही? यस सर। बताइए क्या लेवल का नॉलेज मिला आपको? सर मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा, असल में मतलब इतना सब कुछ कहना था, मैं सोच रहा था और मैं सब भूल गया, बट मैं सच में कहना चाहूँगा कि जिसको भी अगर सीखना हो, और यहाँ का मेन चीज़ यहाँ से याद आ गया सर, कोई भी इंस्टीट्यूट में आप कॉल करेंगे, मैं 10 इंस्टीट्यूट देखा सर, क्योंकि मेरे को बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना था जहाँ नॉलेज मिले, तो मैं यूट्यूब बहुत सालों से कर रहा हूँ और मैं सबको देखा, बट एक बार बीच में आ गया एशिया टेलीकॉम, मेरे को पहले लगा अरे मतलब नॉलेज खाली लगा, कुछ ऐसा नहीं लगा, तड़कता टाइम पास। तो मैंने एक बार अंदर देखा, समझ में तो कुछ नहीं है सर, बट इतना समझ में आ गया कि यहाँ जाऊँगा ना तो सब कुछ समझ जाऊँगा और लोगों को भी समझा दूंगा, तो फिर मैं समझ गया। और देव सर को सर देख के समझ गया कि इनमें नॉलेज है, मतलब। और सर मेन मेरे को ये चीज़ अच्छा लगा, मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, NIT की प्रिपरेशन भी की है, कोई टीचर अगर डाउट पढ़ने चिड़िया है तो बच्चा डाउट नहीं पूछता, बच्चा डर जाता है, बट यहाँ सर मैं देव सर को भी बहुत परेशान किया डाउट पूछ के, और हमारे MD सर आप हमको तो देख रहे हैं बट कैमरे के पीछे असली हीरो है, उनको आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि हीरो को देखने के लिए तो आना ही पड़ेगा, हीरो आपको फोटो में नहीं दिखेंगे। तो डाउट कितना ही पूछ सकते हैं हम, जब तक डाउट क्लियर ना पूछो, मैं 10 डाउट पूछ के अपना क्लियर कर रहा हूँ, और वो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी, जैसे जो एक टीचर की क्वालिटी है, और उससे मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ सर एक चीज़ मैं अपने दिल की बात कहना चाहूँगा सर, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में फ़ोन कर लीजिएगा, आपको ऑफर मिलेंगे, आपको फ़ोन करेंगे आ जाओ, अच्छा है, इंडिया का बेस्ट है, ये है, वो है, ये है, मेरे को तो फ़ोन में ये कहा गया सर आपको आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और कर सकते हो तो आओ, मतलब हमको चेताया गया कि तुम कर सकते हो, तुम में काबिलियत है तो आओ, वरना मत आओ, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम कर सकते हो तभी आना। और सर मेन चीज़ यहाँ एक टीचर ऐसा नहीं कि 10 बच्चों को सिखा दिया बाकी छोड़ दिया, जो नहीं सीख सकता ना सर उसको ये कॉन्फिडेंस दिला रहे कि मैं तेरे को टॉप का बनाऊंगा, जो सीख सकता है वो तो सीख ही जाएगा सर, पर जो नहीं सीख सकता उसको उसका हाथ कौन पकड़ेगा, उसका हाथ थाम रही है शटल का, और वही सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सर। ये देव सर का मैनेजमेंट है, किसका मैनेजमेंट है? देव सर का सर। ये देव सर का मैनेजमेंट है, सबकी मेहनत है, सब स्टाफ की मेहनत है, यहाँ स्टाफ ना सर ऐसा नहीं चिढ़ता है कि घर जाना है टाइम हो गया, यहाँ टाइम नहीं है सर, यहाँ सिर्फ एक ही जिद लेके बैठी है एशिया टेलीकॉम की टीम कि हर इंसान को सिखाना है और इतना सिखा देना है कि मतलब देश में ऐसा कोई मोबाइल ना बचे। सर मैं 30 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदगी भर की गारंटी लेता हूँ, जिंदगी में जब जब तुमको जरूरत पड़ेगी, जब जब एशिया टेलीकॉम तुम्हारे साथ है, 25,000 का अगर मोबाइल तुम्हारे हाथ से यहाँ से सीखने के बाद ट्रेनिंग में अगर डेट हो जाएगा तो पहुंचा देना बेटा, सब काम छोड़ के पहले तुम्हारा मोबाइल बना के बचूंगा मैं। ऐसी नौबत आई है क्या? नहीं आएगी सर, नहीं आएगी। आपने इतना काबिल बना दिया कि मोबाइल सर मतलब हलवा हलवा, और बाकी और कुछ नहीं कहना है, आके देख लेना जिसको देखना है। सर मेरा नाम संजय शाह है, मैं अगरतला त्रिपुरा से हूँ सर जी। सर सुबह 8 बजे मैं आया और आगे सर CPU रिबॉलिंग किया, और उसके बाद कंपोनेंट्स 2 का क्लास था, कंपोनेंट्स पर मैं सब क्लास हुआ, उसके बाद 4G मोबाइल से पावर इसी निकल के रिबॉलिंग किया, उसके बाद लगाया, पूरा सक्सेसफुल हुआ है सर। और एक बात मैं करना चाहता हूँ सर,
रोज मेरा मम्मी पापा ने फोन करके बोलते हैं दो दिन का क्लास में क्या सीखा है। मैंने बोलता हूँ तो मम्मी पापा ने बोलता है अच्छा इंस्टीट्यूट में गया है और दो तीन साल पहले जाता तो अच्छा होता। अच्छा, ये पहले चले जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वन भाई, और कौन बचा बीच में? चलिए सब आ जाइए। नमस्कार सर, मेरा नाम यशवंत पोटियर है, महाराष्ट्र से। हाँ जी यशवंत बोलिए। सर आज सुबह हम 8 बजे आए। चलो महाराज, उसके बाद हमारी डबल डेकर की क्लास हुई थी जिसमें हम सब ने डबल डेकर अभी यूनिवर्सल इंस्टेंसिल से सभी ने रिबॉल किया सर। उसके बाद 11 बजे अपनी सर के साथ कंपोनेंट 2 की क्लास थी सर, ठीक है, जिसमें सर ने पूरे अच्छे तरीके से हमें कंपोनेंट के बारे में बताए। अच्छा, कोई चीज़ स्किप करते हैं सर? नहीं सर, कोई चीज़ स्किप नहीं करते, पूरा डिटेल के साथ बता दें सर। और वो जो 5 घंटे की क्लास होती है, उस 5 घंटे की क्लास में कभी सर को टेबल पे बैठते? नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं बैठते। फिर देखा सर को टेबल पे बैठते हो? टेबल है ही नहीं। पॉजिटिव रहते सर वो पूरे 5 घंटे एकदम पूरा एकदम महफिल बनी रहती है, बिल्कुल एकदम किसी को हिलने का करने का नहीं सर, बिल्कुल तड़कते भड़कते एकदम पढ़ाते सर। तो और फिर अभी शाम की क्लास में हमने पूरा प्रैक्टिकल किया। यस सर, पूरा प्रैक्टिकल की बात करूँ तो सारे डन है आपके कंपोनेंट। देखो तुमसे हाथ मिला के जब भी बात कर सकता हूँ जो तुमको मैंने पढ़ाया। यस सर, समझ में आ रहा है? एक एक का डाउट क्लियर करा, जब भी हाथ मिला के बात कर सकता हूँ आपसे। यस सर, है ना, और बिना पढ़ाए रिव्यू लेता नहीं मैं। यस सर, है ना। तो बताइए मेरे को एक भी चीज का कोई डाउट? नो सर। लाइव कैमरा चल रहा है? यस सर। भारत की पूरी जनता देख रही है आपको? यस सर। आप बोल सकते हैं, फीस दे के बैठे हैं आप? यस सर, पूरी क्लियर है सर मेरे कंपोनेंट्स क्लास। उसके बाद शाम को मैंने एक 4G हैंडसेट से पावर एसी निकाल के फिर से लगाया सर। तो डन हुआ आपका? पूरा डन हुआ सर। और कल क्या करोगे? कल फिर से लाइव 4G आईसी मैं निकालूंगा और लगाऊंगा। और लगाऊंगा सर। तो आप देखिएगा, नाम बता दीजिए एक बार और अपना। यशवंत कुमार। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से यशवंत है, आप इनको लाइव कल देखिएगा। ये 4G हैंडसेट से चालू मोबाइल से पावर आईसी निकालेंगे, लगाएंगे और मोबाइल चालू करके दिखाऊंगा। चालू करके दिखाओगे? यस सर। बता दीजिए, मेरे में कॉन्फिडेंस है। यस सर, मेरे में कॉन्फिडेंस है सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वन। मेरा नाम चंदन कुमार शाह, नेपाल से हूँ। हाँ जी सर, कल day 1 था कंपोनेंट का, वो तो बहुत अच्छा ही रहा था। और आज का कंपोनेंट का क्लास भी बहुत बढ़िया रहा देव सर के साथ जी। 8 बजे आए हम, ICD बॉलिंग किए, ठीक है, सक्सेस रहा। उसके बाद कंपोनेंट की क्लास वो भी बहुत अच्छी रही, ठीक है। उसके बाद अभी आपको क्या बोलते हैं, पावर आईसी लाइव साइड से निकाला ऑन साइड से और फिर रिवॉल्व करके लगाया, सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल रहा? यस सर। तो ये सब 2 दिन में इतना सब कुछ अचीव करना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वन भाई। राज फ्रॉम नेपाल। हाँ जी। आज हाम्रो चाहिँ के अरे day 2 कम्प्लेन्ट क्लास थियो, त्यो चाहिँ सबसे राम्रो थियो। हाम्रो बिहानको क्लास पनि अनि त्यसपछि हाम्रो देव सरसँगको क्लास थियो। देव सरसँगको क्लास त झनै राम्रो भयो। अनि हाम्रो थर्डमा चाहिँ त्यही कम्प्लेन्टको प्र्याक्टिकल क्लास थियो एमडी सरसँग। उहाँले हामीलाई चाहिँ जुन जुन जे जे डाउट छ त्यो सब सोध्न लाउनुभयो र हामी सबै स्टुडेन्टले राम्रोसँग सिक्ने मौका पायौँ। त्यसमा म धेरै खुसी छु। ठिक, थ्याङ्क यू। नेक्स्ट वन। मेरा नाम है सागर, मैं भी नेपाल से हूँ सर। हाँ जी। सुबह हम 8 बजे आए इधर जी। सुबह हमने CPU रिबल किया, ठीक है, बाद में कंपोनेंट क्लास था। हाँ। फिर शाम को पावर आईसी रिबॉलिंग किया, ठीक है। पावर आईसी रिबॉल किया आपने? पावर आईसी निकाल के लगाया कि नहीं लगाया? निकाल के लगाया सर। लगाया, डन हुआ आपका? डन हुआ। डन हुआ। और कंपोनेंट की क्लास कैसी लगी आपको? 2 दिन थे, 2 दिन में पूरा सारा कंपोनेंट आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए? क्लियर हुए सर। प्रैक्टिकली क्लियर हुए? पूरा क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हुआ। अभी PCB में ऐसा कोई कंपोनेंट जो अपने जाना पहचाना नहीं लगता है या हमको जिसको जिस पे काम करना नहीं आता, ये क्यों लगा है ये मालूम नहीं? सब मालूम, क्रिस्टल क्लियर है सारा मालूम। चलिए नेक्स्ट वन। नमस्ते, हाँ बोलिए। सर सुबह 8 बजे आया, डबल टेकर मैंने लिया। उसके बाद 5 घंटे तक सर के साथ क्लास हुई। हाँ जी। उस क्लास में कंपोनेंट 2 की क्लास हुई। हाँ जी। सारी नॉलेज मिली। हाँ जी। और जो भी डाउट्स थे वो हमारे क्लियर हुए। अच्छा। उसके बाद MD सर के पास क्लास हुई, उसमें सारे कंपोनेंट्स की ट्रेसिंग किया। उसके बाद सारा 4G हैंडसेट से IC निकाल के दोबारा से रिवॉल्व करके लगाया तो वो सक्सेस रहा। कैसा लग रहा है आपको? वो बहुत अच्छा लग रहा था।
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। यस सर। ऐसा लगता है आपको थोड़ा पहले आ जाना था ये? बिल्कुल सर, मैं तो बहुत पहले सोच रहा था लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से नहीं आ सकता। बराबर है, ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए माइक मेरे को याला माइक दीजिए आप, याला मेरे को उसको तेज आ रहा है। हां जी। यस सर। दो कंटेंट थे हमारे। यस सर। दोनों कंटेंट के बारे में बताइए। सर बहुत अच्छे थे सर। और तो फिर मैं जब देव सर के साथ क्लास थी कंपोनेंट 2 की, यस सर, क्या नॉलेज मिला है आपको? सर नॉलेज तो बहुत दिए सर। सर लगता है सर कि देव सर को देखता ही रहे, ऐसा पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा लगा सर। दूसरी बात है सर, हम लोग तो झारखंड से हैं, इधर पहली बार आया हूँ सर जी। मन में एक डर भी था सर कि पता नहीं जाऊँगा तो क्या होगा नहीं होगा, समझ रहे सर? बराबर। यूट्यूब का जरिया आया हूँ सर। हाँ। तो शायद अगर किसी का मन में ऐसा हो तो वो बेफिक्र आ सकता है, इसके लिए मैं चैलेंज के साथ करता हूँ। चैलेंज के साथ करता हूँ। सीख के ही जाएगा। सीख के ही जाएगा सर, सीख के ही जाएगा, कोई डाउट नहीं हो उसका। चलिए सर, मेरा नाम ओम प्रकाश केसरवानी, मैं प्रांगण की से। हाँ केसरवानी, बताओ मेरे को ओम प्रकाश, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 की क्लास बहुत अच्छी थी सर। सुबह से हम लोग 8 बजे आए हैं, शाम को 10:30 बज रहे हैं, लेकिन हम लोग क्लास से मन नहीं भरा। अभी कोई नहीं बोल सकता कि मैं हॉस्टल जाने के लिए रेडी हूँ। अगर सर बोले कि 2 बजे तक करना तो 2 बजे तक करेंगे। सब में जरूर, सब में जरूर जी सर। चुनून वाली टीम से पढ़ने आया हो भाई। जो लड़का यहाँ मेहनत कर सकता है वही आ सकता है, जिसको काम नहीं करना वो यहाँ नहीं टिक सकता। नहीं टिक सकता है ना, टिक सकता। दूसरे दिन भाग जाएगा वो, दूसरे दिन भाग जाएगा। ताकत खत्म हो जाएगी। चलिए तो ओम प्रकाश बताइए मेरे को कि कैसा लगा आपको, दो दिन का क्लास कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। मैं आज 3-4 सीटी वाले किया हूँ, डबल डेकर भी किया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2 दिन के अंदर मुझे 1 साल की एक्सपीरियंस मिला। 1 साल का एक्सपीरियंस मिला, फर्स्ट टाइम में एक बार डन होता है। बराबर। और जो आपका मेन था कंपोनेंट, कंपोनेंट उसका क्लियर है सर, एक एक क्लियर है, एक एक क्लियर है सर। खाली तुम्हारा की पूरी क्लास का? पूरी क्लास का सर, पूरी क्लास का, पूरी क्लास का। मेरो नाम उमेश कुमार चौधरी हो, म नेपालबाट आएको हो। युट्युब हेरेर आएको हो, यहाँ एकदमै राम्रोसँग सिकाउँछन् अनि प्र्याक्टिकल पनि पुरै दिनभरि हुन्छ। चलिए ठीक है, थोड़ा देखो देखो, थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत आती है, अदर कंट्री से आए हैं, ये नेपाल से आए हैं, तो एशिया टेलीकॉम के बारे में बोलिए। चलिए ठीक है, आप एक शब्द में बोलिए एशिया टेलीकॉम के बारे में। एशिया टेलीकॉम लाए, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए ठीक है, माइक दीजिए जी। सर मेरा नाम राम रॉय है, मैं त्रिपुरा से आया हूँ सर। आज हमारा कंपोनेंट का सेकंड क्लास था। हाँ। इसमें क्या सुबह 8 बजे आए, 8 बजे आके डबल टेकर सीपीयू पे रिबोलिंग किया, इसके बाद कंपोनेंट की क्लास किया। अभी सर 14 घंटे के करीब हो गया, अभी तक क्लास चल रहा है। नॉलेज सर बहुत ही अच्छा, 20 घंटे पढ़ाओ, नॉलेज क्या मिला ये बताओ। नॉलेज सर बहुत बढ़िया मिला, नॉलेज बढ़िया मिला। कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है, रिवॉल्विंग क्लियर है, आईसी निकालना लगाना सर, पूरा क्लियर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन जी। जी सर, मेरा नाम मुरली साहू है, मैं ओडिशा से आया हूँ। आज सुबह मैं 8 बजे आया हूँ और पावर एसी और सीपीयू रिवॉल्व किया हूँ। और कौन सा सीपीयू? डुअल डेकर सर। कौन सी स्टेशन? यूनिवर्सल मेरा नाम सागर बोर से है, महाराष्ट्र पालघर से हूँ। मैम सुबह 8 बजे आए, 8 बजे आने के बाद प्रैक्टिकल हुआ डबल लेकर, डबल लेकर सिप रिबॉलिंग किया, उसके बाद देव सर का प्रैक्टिकल था, टीच किया उन्होंने, 5 घंटे उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद एमबी सर ने फिर से प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, फिर कंपोनेंट का जो देव सर ने पढ़ाया था उनका प्रैक्टिकल एमबी सर ने लिया, उसके बाद
पावर आईसी सर ने बोला पावर आईसी निकाल, एक बार उन्होंने सबको बताया कैसा है, कैसा निकालती है, कैसे हीट देना है, कैसा सब कंपोनेंट, किस कंपोनेंट को टच करने के बाद पावर आईसी को हिलाना चाहिए, उसके बाद कैसे निकालना चाहिए, सब एम्बिशन ने सब बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और सब बच्चे भी समझ गए। उसके बाद सर पावर आईसी हमने फर्स्ट टाइम निकाली आईसी, कल भी हो गया था एमएमसी। आज मैंने तो सर को बताया भी नहीं कुछ नहीं, पर यूनिवर्सल टेंसिल से एमएमसी की एमएमसी भी किया तो हो गया। मैंने सर को बताया सर, पर मैंने आपको सर ये नहीं बताया कि सर यूनिवर्सल से एमएमसी यूनिवर्सल। मैं तो ऐसा बोलता हूँ ये प्रॉपर यूनिवर्सल टेंसिल पता नहीं सर कैसी रहती है, पर जो प्रॉपर नहीं पता रहती, पर ये यूनिवर्सल यही बेस्ट लगने लगी है, इसी से सब काम हो रहे हैं सर। हेलो जी जी नमस्ते सर, मैं हर्षराज, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। हर्षराज बोलिए। सर मैं मतलब एक हिंदी में एक कहावत है, मैं बताना चाहता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान धोखादायक होता है। उसी हिसाब से मेरे अंदर जो आधा अधूरा ज्ञान था उसके वजह से मेरे लाइफ में बहुत धोखे चल रहे थे। अच्छा अच्छा, देखो अपनी पीठ अपने को दिखाई दे, अपनी पीठ अपने को दिखाई दे, मतलब अपनी गलती अपने को अगर दिखाई दे तो इससे समझदार इंसान कोई नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं। अगर जिस दिन आपको अपनी गलती दिखने लग गई तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे सर। जी सर, तो देव सर के साथ मैं आज जो मजा आया सर वो मतलब काबिले तारीफ था, और उनमें इतना ज्ञान है सर कि मैं अभी मतलब बता नहीं सकता, बहुत टैलेंट भरा पड़ा है और वही सब हम यहाँ पे लेने आए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है सर और एनर्जी बहुत महसूस हो रही है जी। सुबह सुबह जल्दी 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है और अभी 10:30 बजने में आए, अभी तक मतलब क्लास ही चल रही है ऐसा लग रहा है। सिर्फ 2 दिन हुए यहाँ पे, आज का दूसरा दिन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 महीने से यहीं पर हम सीख रहे हैं ऐसा लग रहा है सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच सर। देखा जी, मतलब इतना महाराष्ट्र में मुंबई में बहुत क्लासेस देखा, कोई 2 घंटा कोई 4 घंटा सिर्फ पैसा उन लोग के पास था। ऐसा देखा जाए ना तो उन लोग स्कीम रहती है, तुम ये आ जाओ तुमको इसके साथ ये फ्री, हाँ। ये पैकेज लो तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मोबाइल लेंगे, तुमको ये सर। यहाँ पे एक चीज आपको पता चल गई है, यहाँ पे कोई पैकेज वगैरह नहीं है, अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कुछ कर दिखाने की ताकत है तो भाई बेझिझका बेझिझक। और ये मैं महाराष्ट्र लोकन म्हणजे महाराष्ट्र मी महाराष्ट्रीय मी मराठी लोकांना एक संदेश देऊ इच्छितो। आपल्याला म्हणतात की मराठी माणूस धंदा करू शकत नाही, मी 15 वर्षापासून या धंद्यामध्ये आहे, मला माझी कमी जाणवली आणि मला माझी कमतरता पूर्ण करून घ्यायची होती म्हणून मी एशिया टेलिकॉम जॉईन केलं। आणि मी माझ्या मनापासून आणि या माझे सगळे मित्र आहेत त्यांच्या पण रिव्ह्यू घेऊन मी सांगतो, जर तुम्हाला खरोखर मोबाईल शिकण्याची जर मनापासून इच्छा असेल तर एशिया टेलिकॉम हा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला एक नंबर आहे। याच्या व्यतिरिक्त जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। क्लासेस देखा जी, मतलब इतना महाराष्ट्र में मुंबई में बहुत क्लासेस देखा, कोई 2 घंटा कोई 4 घंटा सिर्फ पैसा उन लोग के पास था। ऐसा देखा जाए ना तो उन लोग स्कीम रहती है, तुम ये आ जाओ तुमको इसके साथ ये फ्री, हाँ। ये पैकेज लो तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मोबाइल देंगे, तुमको ये सर। यहाँ पे एक चीज आपको पता चल गई है, यहाँ पे कोई पैकेज वगैरह नहीं है, अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कुछ कर दिखाने की ताकत है तो भाई बेझिझका बेझिझक। और ये मैं महाराष्ट्र लोकन म्हणजे महाराष्ट्र मी महाराष्ट्रीय मी मराठी लोकांना एक संदेश देऊ इच्छितो। आपल्याला म्हणतात की मराठी माणूस धंदा करू शकत नाही, मी 15 वर्षापासून या धंद्यामध्ये आहे, मला माझी कमी जाणवली आणि मला माझी कमतरता पूर्ण करून घ्यायची होती म्हणून मी एशिया टेलिकॉम जॉईन केलं। आणि मी माझ्या मनापासून आणि या माझे सगळे मित्र आहेत त्यांच्या पण रिव्ह्यू घेऊन मी सांगतो, जर तुम्हाला खरोखर मोबाईल शिकण्याची जर मनापासून इच्छा असेल तर एशिया टेलिकॉम हा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला एक नंबर आहे। याच्या व्यतिरिक्त जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच, आई लव यू। एक साथ कहेंगे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है, थैंक यू वेरी मच।
सेट गो यस सर एशिया का लंबा वाला इंस्टीट्यूट कौन है यस सर